हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक खबर आपके सामने रख देते हैं। अब कोरोना को लेकर फैले दो भ्रम तोड़ने वाली खबर जाननी जरूरी है। तो ये भ्रम क्या है वो भी जान लीजिए। देखिए, पहला भ्रम ये है कि भारत में छोटे शहरों के निजी अस्पताल या सरकारी अस्पताल कोरोना का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, सामना करने के लिए सब तैयार है, लेकिन भ्रम फैलाया जा रहा है। दूसरा भ्रम ये है कि 60 से ऊपर वालों को कोरोना हुआ तो बचना मुश्किल है। कहानी पीलीभीत से है, देखिए और कोरोना के खिलाफ मजबूत बनिए। दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों के बाद अब छोटे शहरों से भी कोरोना पर जीत की कहानियां सामने आने लगी हैं, जो कि कोरोना के खिलाफ जंग में हमारी हिम्मत बढ़ा रही है। पीलीभीत के अमरिया की रहने वाली ये है शकीला। 60 साल की शकीला पिछले महीने सऊदी अरब से लौटी हैं, जिसके बाद उनमें कोरोना के लक्षण पाए गए थे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद शकीला को पीलीभीत के जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब शकीला की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। आज इनकी दूसरी रिपोर्ट भी निगेटिव आ गई है, और जब दोनों रिपोर्ट निगेटिव आ गई है तो आज हमने उनको छुट्टी दे दी है और उनको घर पे कहा है कि वो घर पे ही क्वारंटाइन रहेंगी 28 डेज तक के लिए, और घर पे और किसी से नहीं मिलेंगी। बिल्कुल स्वस्थ है मरीज हमारे। कोरोना से डरना नहीं है, इससे मिलकर लड़ना है। शकीला के साथ इनके बेटे को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिनका इलाज अभी चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने जल्द ही शकीला के बेटे को भी घर भेजने का आश्वासन दिया है।